अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। मैं हूँ अबीहा फातिमा और मैं आपको अपने चैनल में लर्निंग माई वे में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं सिंपल ट्राउज़र की कटिंग बता रही हूँ, विदाउट बेल्ट, ऊपर इलास्टिक और साथ में आपको इलास्टिक इसके साथ कैसे अटैच करते हैं वो बताऊँगी। सबसे पहले हम ट्राउज़र की लंबाई चौड़ाई लेंगे। हमने 17 इंच चौड़ा ट्राउज़र लेना है। तो ये देखें, ये मैंने निशान लगा रखा है, ये 17 इंच का। और तैयार ट्राउज़र मैंने 39 इंच रखना है। 3 इंच के नीचे मैंने फोल्डिंग रखूँगी और 3 इंच का ही इलास्टिक रखूँगी। ये पूरा शलवार पीस है मेरे पास 2.5 मीटर का। इसमें आसानी से 6 इंच एक्स्ट्रा रखा जाएगा। यहाँ से अब मैं लंबाई ले लेती हूँ। ये 39 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। एक 3 इंच का निशान हमारे पास होगा ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए और एक निशान हम लगा रहे हैं नीचे पांचे की फोल्डिंग के लिए। सबसे पहले ये जो हमारे पास आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नजर आ रहा है ये हम निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। इस तरह करेंगे, इस तरह करके हम ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों साइड से हम आप इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने फालतू कपड़ा निकाल लिया है। ये देखें, ये हमारे पास मैंने 3 इंच के ऊपर, ये 3 इंच के ऊपर मार्कर दिया है हमने नेफा। इस साइड से भी मार्क करके हमने इसको सीधी स्ट्रेट लाइन से मिला लिया है। अब हमने जितनी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रखने के तैयार के बाद, तैयार लेंथ रखने के बाद यहाँ से इस लाइन से हम नापेंगे। इस लाइन से नापने के बाद 39 हमने इंच तैयार रखनी है। इस लाइन से नाप के भी एक मार्क कर दें और दूसरी साइड से भी मार्क कर दें और इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला दें। ये हमने नेफे का भी निशान लगा लिया है और नीचे पैंचे का निशान भी लगा लिया है। अब कटिंग करने के लिए हमने जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको अलग काटेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अलग काटेंगे। मैं पहले फ्रंट वाला हिस्सा अलग कर लेती हूँ, पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है। अब इसका, इस कपड़े का दरमियान में जितना भी हमारे पास है, ये हमने 17 इंच रखा है। 17 इंच का जो 17 इंच का जो दरमियान होगा वो 8.5 होगा, यानी कि 8.5। 8.5 पे भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम नीचे से भी 8.5 पे निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हम इस लाइन के साथ मिला देते हैं। ये देखें, ये लाइन हमने मिला दी है। लाइन मिलाने के बाद आपने ऊपर से जितना भी इसको खुला रखना है, यहाँ से हमने 16 इंच तैयार रखना है। तो 1 इंच का हम जो यहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन रखना है और 16 इंच हमारे पास तैयार आएगा। यहाँ से हमने 15 इंच रखना है, 14 इंच तैयार रहेगा और 15 1 इंच इसकी सिलाई का मार्जिन है। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा देती हूँ। सबसे पहले हमने आसन का निशान लगाना है। आसन टोटल हमने तैयार जो है वो 16 इंच रखना है और रखेंगे हम 18 इंच। अगर हम इस लाइन से नापते हैं तो हम इसको जितना तैयार है उतना ही रखेंगे। हम इस पे 16 पे निशान लगा लेते हैं, लेकिन 16 पे निशान लगा के इस तरह, तो यहाँ से हमने 15 इंच खुला रखना था। ये देखें, यहाँ पे भी एक निशान हम 15 इंच पे लगा रहे हैं। इस लाइन को हम इस लाइन से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमने लाइन मिला ली है। लाइन मिलाने के बाद हम यहां से इसको राउंड शेप देंगे। इस तरह यहां से आप इसको सही तरह राउंड कर ले। राउंड करके हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, हमारे पास कटिंग हो गई है। यहाँ से हमने 1 इंच की सिलाई का मार्जिन रखा है, तो हम यहाँ पे 1 इंच का यहाँ पे इस तरह एक निशान भी लगा लेते हैं ताकि जब हम दूसरी कटिंग करें तो हमें आसानी हो। अब हमने इसका पैंचा जो है वो बनाना है। पैंचा हमने जितना भी तैयार रखना है, ये हमने देखें, ये दरमियान का निशान लगाया हुआ है, हमने इसका तैयार पैंचा 7 इंच रखना है। 7 इंच रखने के लिए हम 3.5 पे इधर और 3.5 पे उस साइड पर निशान लगाएंगे।
ये हमारा सिलाई का निशान है इस तरह। अब ये 3.5 के सिलाई का निशान हो गया। अब आधा आधा इंच हमने यहां से इसकी कटिंग लेनी है, कटिंग का मार्जिन रखना है। ये हम निशान लगा रहे हैं हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा। ये देखें, ये 3.5 पे निशान लगाया था हमने। अब 3.5 पे निशान लगाने के बाद हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लगाया है और यहां से भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने इस निशान को यहां से भी, आपने जितना हमने आसन लिया है यहां से भी एक हम निशान लगाएंगे। इस लाइन से लेकर 16 पे हम निशान लगा देते हैं, यहां से 16 पे। अब हमने इस लाइन को इससे मिलाना है और ये वाला जो है ये अलग लाइन ड्रा करनी है। यहां पे हाफ इंच का मार्जिन देके, ये देखें, ये हम हाफ इंच का मार्जिन सिलाई का रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे और ये जो लाइन है हमारे पास ये वाली, इसको हाफ इंच इधर मिलाएंगे। आप इसको इस तरह रखें, आप इसको इस तरह रखें और एक लाइन ड्रा कर लें। इसी तरह हम एक लाइन यहां पे ड्रा करेंगे जो हमारी ये वाली, ये हमारी सिलाई की लाइन है। ये देखेंगे मैं इस, इन जो हमने निशान लगाए हैं यहां से और यहां से, ये हमारे सिलाई का जो निशान है, हम दोनों निशानों को पकड़ेंगे और यहां से प्रेस कर दें आप, बहुत अच्छा आपका निशान ड्रा हो जाएगा। मैं आपको मार्क करके भी दिखाती हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम इसको यहां से आप हाफ इंच छोड़ के यहां से आसन का इसको एक दफा इस निशान से भी मार्क कर दें। ये आपके सारे निशान क्लियर हो जाएंगे इस तरह। मैं आपको अब इसके ऊपर निशान लगा के बताती हूँ, या फिर आप इसको इस तरह रखें और इस तरह रखें, इसको मिला दें लाइन को। ये देखें, हमने ये लाइन ड्रा कर ली है। ये हमारी जो है सिलाई की निशान है और ये वाला भी हमारा सिलाई का निशान है और बाहर वाली साइड पे जो तो हमने निशान लगाए हैं वो हमारा कटिंग का निशान है। तो चलिए फिर कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग शुरू करने से पहले हमने ये तो 3 इंच का पैंच एक्स्ट्रा रखा है, हम इसको यू फोल्ड कर देंगे इस तरह। इसको उल्टी साइड पर फोल्ड करती हूँ ताकि आपको लाइन नजर आए। ये आपने जो 3 इंच का निशान रखा है इसको आप इस साइड इस तरह फोल्ड कर देंगे, फिर कटिंग करेंगे। अगर हम इस तरह फोल्ड नहीं करते, अगर हम इसको इस तरह फोल्ड नहीं करते तो जब हम इसको बैक साइड पे इसको फोल्ड करके तिरपाई करने की कोशिश करते हैं तो वो साइड हमारी छोटी होती है और जो पैंचा होता है यहाँ से ये साइड हमारी खुली होती है, तो उस वजह से ये एडजस्ट नहीं हो पाता और हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर हम आपको इसको इस तरह फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी इसकी 7 बराबर की कटिंग हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कटिंग इसकी। इसको अपने सामने कर लेती हूँ इस तरह। यहाँ से आके हम इसको, इसकी जो रेब है इसको बिल्कुल थोड़ा ठीक कर लेंगे यहाँ से। बेशक सिलाई से ये जो हमने निशान लगाया थोड़ा सा ऊपर भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये एक लूज ट्राउजर है जो इजीली आप घर में यूज कर सकते हैं वो हेल्दी खवातीन के लिए। और ये देखें, ये जो हमने कटिंग की थी ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। जब हम इसको फोल्ड करेंगे ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगी और इसकी जो तिरपाई है वो इतना ही खूबसूरत होगी और आपको तिरपाई करते हुए कोई मसला नहीं आएगा। ये देखिए, ये इस तरह आ जाएगी। अब हम इसका, ये हमारा फ्रंट हिस्सा था जो कट गया है, यहां से हम इसको अलहदा कर लेते हैं। अब इसका हम इसका
बैक सब काटेंगे। बैक पार्ट काटने के लिए जो बैक पार्ट था, ये वाला हिस्सा लिया था हमने बैक पार्ट, ये हमने इसकी चौड़ाई हमने 17 इंच रखी थी, तो ये वाला हमने 18 इंच लेना है, ये वाला हमने 18 इंच लेना है। तो बैक वाला पार्ट हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो एक्स्ट्रा रखने के बाद हमने जब इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर इसको प्लेस कर देना है, प्लेस करने के बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1-1 इंच का, वो हम इस साइड पे निकाल देंगे इस तरह। ये फोल्ड करके हमने 18 इंच लिया है, ये वाला, ये देखें ये फोल्ड हुआ हुआ है, दो पार्ट है इसके। इसी तरह हमने जो ऊपर वाला कपड़ा लिया था वो भी फोल्ड करने के बाद 17 इंच था, अगर उसको सिंगल करके नापे तो वो 34 इंच होता है। इसी तरह ये वाला जो है वो 36 इंच होगा चौड़ाई में, विड्थ में। तो इसी तरह हमने बस इसको प्लेस कर लेना है इसके ऊपर, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट जो 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो देखें ये इस साइड पे निकाल देना है। यहाँ तक आपका जहां से आपने आसन लिया था, यहाँ से 16 पे, ये 16 पे निशान लगा ले, और यहां से लेके यहां तक आपने 1-1 इंच मार्क करके इस तरह, यहाँ पे हम 1-1 इंच मार्क करके हम नीचे तक सारा मार्क कर लेंगे और उन लाइंस को मिलाकर आपस में काट लेंगे। ये देखें हमने ये 1-1 इंच पे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से जो हमारा कटिंग हुई हुई है इसके साथ साथ बिल्कुल कटिंग करेंगे, और यहाँ से हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा पे नीचे वाला पार्ट रख के उसको कटिंग करनी है। यहाँ से जो नीचे हमने पैंचा काटा था वो भी ये जिस तरह ऊपर वाला कटा हुआ है वहीं से मार्क करके 1-1 इंच एक्स्ट्रा हम काटेंगे। देखिए जिस तरह हमने निशान लगाया है, इसके ऊपर पर हम काटेंगे तो हमने निशान लगाया है। ये देखें हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से अगर आपका हिस्सा ज्वाइंट है तो उसको भी आप अलहदा कर लें। बहुत इजी करके मैंने आपको कटिंग बताई है, और बहुत ही कंफर्टेबल ट्राउजर होगा ये आपको, बिल्कुल भी आप इसको पहन के तंग नहीं होगे। ये इस तरह फोल्ड होगा, ये देखें इसकी कटिंग बिल्कुल सेम हुई है। अब मैं आपको इसमें इलास्टिक अटैच करना बताऊंगी, इसको जोड़ना कैसे है ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुकी हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आप शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब मैं आपको इसकी इलास्टिक की बताती हूँ कि इलास्टिक हमने इसका कितना लेना है। इलास्टिक की कटिंग जो है ना, हम बैक वाला हिस्सा जो है हमने, इससे आप नाप लें इस इलास्टिक को और इसको डबल कर दें इस तरह। ये देखिए जितना हमारा बैक वाला हिस्सा है उसके बराबर का हम इलास्टिक डाल रहे हैं इसमें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हम इसको कटिंग कर देते हैं। बैक वाले हिस्से को नाप के आप इसका इलास्टिक काट लें, बिल्कुल ठीक इसकी बैठेगी फिटिंग। तो मैं आपको इसका इलास्टिक अटैच करना बताऊंगी। देखिए ट्राउजर मैंने जोड़ लिया है, ट्राउजर जोड़ने के बाद मैं आपको पैंचा फोल्ड करना बताती हूँ इसका, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें ये मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करके सिलाई लगा दी है ताकि ये जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो ना निकले। अब हमने इसको इसके बराबर रखना है, ये निशान आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी लंबाई का निशान है। इस लंबाई के ऊपर से हमने इसको बराबर रख के यूं ये वाली सिलाई को एक साइड पे कर दें और यहाँ से यूं फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ से जितनी भी इसके पैंचे की खुलाई रखनी है, मैंने 7 इंच पे रखनी थी और 7 इंच पे मैंने निशान लगाया हुआ है, आपने भी जितनी रखनी है उस पर निशान लगा के आपने इसको मशीन के नीचे रख के इसकी सिलाई इसकी सिलाई लगा देनी है इसके आसन तक। यहाँ से देखें यहाँ से इसको बराबर फोल्ड करने के बाद ये हमने कटिंग इस तरह की थी कि ये खुद ब खुद फोल्ड आपके बराबर आएगा सिलाई में, बस आपने ये फोल्डिंग करते हुए इसको फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है।
तो अभी मैं आपको सिलाई लगा के इसको सीधा करके दिखाती हूँ। हमारे आसन की तक सिलाई हो गई है। अब हम जब इसको इसकी तुरपाई करने लगेंगे, हम इसको यूं कर देंगे दोनों साइड से। ये देखें, ये देखें, ये एग्जैक्ट आता है इसका कपड़ा। आप तुरपाई करेंगे, कोई झोल नहीं आएगा किसी कपड़े में भी। आप इसकी तुरपाई करें, तुरपाई करें, इसकी बहुत आसानी के साथ तुरपाई हो जाएगी। ये देखें, और यहाँ की सिलाई भी हमारी अंदर वाली साइड पर चली गई है। अब मैं आपको इसका लास्टिक लगाना बताती हूँ। अब हम इसका लास्टिक लगाएंगे। हमने 3-3 इंच कपड़ा रखा हुआ है लास्टिक के लिए। मैं आपको लास्टिक मैंने नापना बता दिया था कि आपने कितना लेना है। आप अपनी वेस्ट से भी नाप के ले सकते हैं। मैंने इसकी बैक साइड के साथ नाप के लास्टिक लिया है। जितनी हमारी इसकी बैक साइड है उतना मैंने लास्टिक ले लिया है। ये देखें, ये इतना बैक साइड से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा। हमने ऊपर नीचे रख के इसको सिलाई लगानी है इस तरह, और अच्छी तरह इसको लास्टिक को पक्का कर देना है। बैक पार्ट नाप के आपने कटिंग जब आप करते हैं ट्राउजर की, उस वक्त आप नाप लें। नाप के उतना बराबर बराबर रख लेंगे जो सिलाइयाँ आ जाएंगी। उसके बाद हमारा लास्टिक जो होगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप सीने के बाद नाप रहे हैं लास्टिक, तो फिर आप 1-1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखें लास्टिक को बैक हिस्से से। उसमें हमने जो जोड़ डालना होता है, इसको ज्वाइंट करना होता है, वो उसका मार्जिन हो जाएगा। लास्टिक मैंने ज्वाइंट कर लिया है। ये देखें, अब हम इसमें आसन में लगाना शुरू करते हैं। आसन वाले पार्ट को इधर रख लें। ये देखें, जिधर हमने निशान लगाया हुआ था उधर से हम शुरू कर रहे हैं। लास्टिक को हमने इस तरह इसके अंदर रखना है। इसमें इस तरह रखने के बाद आपने इसको यूं फोल्ड करना है कपड़े को। इसके दरमियान में पार्ट वाले में रखें। जितना हमारे पास निशान एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके दरमियान में रखें, और जहाँ से हमने ये फोल्ड किया हुआ है, जहाँ से हमने ये निशान लगाया हुआ है, वहाँ से हमने इसको फोल्ड कर देना है ऐसे। और अब आपने जब सिलाई लगानी है, तो हमने देखा ये लास्टिक हमारा यहाँ तक है। सिलाई हमने कपड़े के ऊपर लगानी है, लास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये 3 इंच कपड़ा रखा था। अगर हम 2 इंच रखते हैं तो ये कपड़ा थोड़ा कम पड़ जाता है लास्टिक को फोल्ड करने के लिए। अब ये 3-3 इंच जो कपड़ा है हमारा, इस तरह करते जाएंगे, और हम इसको थोड़ा बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। लास्टिक हमारा इतनी जगह पे है। ध्यान रखें कि इलास्टिक भी आपका सीधा रहना चाहिए। ये सिलाइयाँ एक साइड पे कर लें। इसको हम लास्टिक को साथ साथ इस तरह थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे, और ये जो चुन्नट पड़ रही है ये सारी पीछे करते जाएंगे। देखिए, वो इस साइड से हमारे पैंचे हमारे रास्ते में आ रहे थे, हमने इसको दूसरी साइड पे निकाल दिए। लास्टिक खुद बस सीधा हो गया। ये हमारा लास्टिक बिल्कुल इसमें एडजस्ट आ गया। लास्टिक हमारा बिल्कुल इसमें एडजस्ट हो गया। ये देखिए, अब इसको 2-3 दफ़ा यूं यूं करेंगे, दरमियान में से यूं यूं करें, ये सारी चुन्नट एक जैसी आ जाएगी। अब इस चुन्नट के ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी है।
अब हमने इसके दरमियान में सिलाई लगानी है। आप टांका बड़ा कर लें मशीन का, टांका फुल करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा हम पीछे से खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखें ये हमारा इलास्टिक पूरा हो गया है। ये मैंने फ्रंट पार्ट से शुरू किया था, यहाँ पे ला के मैं इसको एक सिलाई में इस तरह सीधी लगाऊंगी। ये सीधी सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ कि अब आप जब भी ट्राउजर पहने आपको फौरन पता चल जाए कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये दूसरा साइड हमारी बैक पार्ट है, नापना ना पड़े आपको। इसको इस सिलाई लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही है। ये देखें ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक अटैच हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरी वीडियो के नीचे जो रेड आइकन है उसको दबाएं और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।